करके जेल में खर्चा नहीं दिए हैं का? 5 महीना रोपनी सोनी करके जेल में खर्चा नहीं दिए? कमीन तो लगता है धान के कटनी अब होगा, अब शुरुआत होगा, तो कमा के खिलाएंगे हम ये कमा के होगी। उसका दान दहेज पिटाए तो वही ली होगी। अगर ली होगी भी नू तो दान दहेज जो 2 लाख दहेज दी थी, 1 लाख का सामान खरीदी थी, तो वो दिया अपना बेटी के दे दे। वो हमारे बेटा 1 महीना राखी और बाद में हम अपने बेटी के रख ले, अपन बेटी ले जाई। अच्छा बेटी के मन तो बेटा बेटी का मन ना ना रहे आरंटी का पटावे ला मन जा मर जा जौन भाई बेटी से प्यार नहीं करता। ना ना कोनो प्यार नहीं करता। ज्यादा बेटी होगी लोग। हां ना प्यार नहीं के जौन बेटी बाप के इज्जत ना रखी जौन भाई से दुहा ना कम दे रहा जादू टोना चला ले एकदम मंत्र अब बस में कोला वाले एकदम रखई के बा। उनका मुंह में दोनों बापे बेटे के नंदू जादू का ननक जादू के उनका मुंह में गू डाल दी, नरक डाल दिया, राखी रही नरक डाल के गंदा बिरचो दउ के लेके जगह छनर कहीं कर ले बड़े आ बोला तारे जे धमकी देता माने नाथ पहना देव के बोलू हैं तब एकदम हाँ नाथ पहना देख बा। एगो मीडिया वाला वही ना दहा से वो मीडिया वाला जाके रुपया 50,000 दे आल मीडिया वाला के वो मीडिया पलट गल। मीडिया वाला वो दिन से आते नहीं के। बताइए चाची है, चाची के बेटी का नाम है माधुरी। अब माधुरी का लव स्टोरी ऐसा है कि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। चाची पर भी आरोप है कि 1,70,000 रुपया लेके बैठ गए हैं आराम से और बेटी को अब आगे कर दी है कि बेटी भी कुछ पैसा ले ले। लेकिन कहानी क्या है, सच्चाई क्या, आप लोग सुने। लेकिन आप लोग खुद इसका तय करिएगा इसके लिए दोषी कौन है। चाची पैसा वैसा नहीं ले लो? नहीं वो सब झूठ बूठ बता। सुनी पैसा जब दिया है तो काहे नहीं चाचा मीडियो दिखा रहा है? आजकल तो एक हर आमदी के लग पास में मोबाइल था। लेकिन तय करना है, लेकिन हम चाहेंगे जरा जूम करके उस स्कूटी के बता दीजिए। उसी स्कूटी से बेचारी माधुरी घूमती थी। वो पैसा हमको नहीं चाहिए, 1 रुपये नहीं चाहिए उसको, अपना बेटी का दो, हमारा बेटा 1 महीना रखे। अभी नहीं खुश नहीं खेलो रखो तो बाद में कैसे खुश रखे। वो रखे चाहे मर जा जौन भाई बेटी से प्यार नहीं खेलो। ना ना कोनो प्यार नहीं खेलो। ज्यादा बेटी होगी? हाँ ना प्यार नहीं के जौन बेटी बाप के इज्जत ना रखी जौन भाई से दुहा ना तन बेरा पर। तो जब राहुल होता ना तो वो केस पहले ही ना करती, वो रहलो आराम से बाहर। हम कहनी कि हमार जितने बेट चौदवा क्षति करा लेबा ओकरो किस्त कह के क्षति कराए मोतने तो क्षति करा के कर दे हमार सबूर हो जाई। वो झूठ मूठ का आरोप लगावत जे बेटी खत किस्त करावती है पैसा ला। बेटी हमार 1 रुपया ना ली, 1 रुपया ना ली। सुनी आ घर सुनी पहले सुनी सुनी जी 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 बोलो। वो अपना बेटी के दे दे, हमार बेटा 1 महीना सोला के राखी आ सूरत लेके जाई। अच्छा जी ना 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 सुनी सही बात कर। 1 मिनट 1 मिनट पहले सुनी सुनी जी बोल जा। तो वो अपना बेटी के दे दे, वो हमारे बेटा 1 महीना राखी और बाद में हम अपना बेटी के रख ले, अपन बेटी ले जाई। अच्छा बेटी के मन तब ना बेटा बेटी का मन ना ना रहे आरंटी का पटावे ला मन रहे। वो रंटी का पटावे ना मन रहे भाभी सुगनी के मन बता रहे। वो बेटा लेके जाओ रुओ अपना बेटा रंटी के जाओ। ए उ नीमर आई तो अपना भाई के पटाई, भाई से बहिन डराला। भाई से चाहे कोई से देखे हमू बात नहीं कहत, मतलब ओकर मन हुई जहां जात हुई मन रहे तो भाई से रहे धीरे बाद दिमाग एथी करते माने चाची हम दिमाग करते नहीं ना माने सच्चाई करते नहीं एकदम झूठ मुड़ के रवा पूछनी है काहे ना रवा पूछनी है काहे ना कि सबूत रख ले बानी कोनो रवा फोटो का रख ले जी पूछनी है रवा कुछ कहां सरपंच साहब के कागज दिखाओ तो रख लो। तो कागज दिखाओ रख लो जी। पैसा हम देम 1,70,000 रुपए तो फोटो राखी छे ना ना बात सही बताई जी बताई रहूगा। अब लोग को वीडियो दिखाना चाहिए अगर लोग साबित करना चाहते हैं तो। लेकिन चाची का जिस तरीके से कहना है कि उनके पास अगर साबूत है तो साबूत दिखाएं, बिना साबूत के हम नहीं मान सकते हैं। अगर वो लोग साबूत दिखा देगा तो चाची आप मान जाइएगा। आप एक्स्ट्रा मतलब ले आए नहीं मैंने आपको साबूत दिखा देगा तो आप मान जाइएगा ना। हाँ तो दिखाए लोग मान जाइएगा। इधर आइए माधुरी जी आप अगर आप फोटो अगर दिखाया करो तो हम मान लेंगे। आजकल का तो लोग उतना बुर्बक नहीं है कि जब पैसा देगा उस वक्त फोटो तो लेके जरूर लेके दिखा देगा। हाँ फोटो काहे बकस देंगे हम नहीं। वो लिया है वो नहीं ली है कि नहीं ली है वो दिया है कि नहीं जाना लेकिन हम भी नहीं जानते इसके बारे में। हमको फोटो चाहिए, हमको सबूत चाहिए तब हम मानेंगे। जैसे पैसा ही ली होंगी अगर साबित हो जाता है तो इनका तो बहुत बड़ा गलती है कि आपके साथ ही धोखा कर। तो फिर कैसे धोखा की? उसका दान दहेज पिटाया तो वही ली होगी। अगर ली होगी भी नू तो दान दहेज जो 2 लाख दहेज दी थी, 1 लाख का सामान खरीदी थी, तो वो दिया होगा लो। अगर दिया होगा लो तब तो 7 लाख मतलब
7 लाख हाँ 3 लाख तो है वापस नहीं ही कहले अविंद रावे ए फिर में परल बानी निकाले के लइका के वापस करवाई पैसा शादी ना भइल तो पैसा लोग के वापस करे के चाहिए कि ना रोवे जकरा घर में नहीं दिया है तो बोल रहे दे दिन मतलब दिए हैं आ दे देलो तो का बोलेगा लो इतना वहीर पूर्वक नहीं है जब फोटो जब पैसा दिया था तो फोटो खींचना चाहिए ना वही रोवा के रखो ता तो रोवे पैसा मांग के देम नु कौन पैसा तो हम नहीं पता है तो हम कैसे मांग के दे देंगे खर्चा हुई तो हाँ 7 लाख रुपए खर्चा हुआ है पैसा कौन पैसा दहेज मैंने कहीं दे तो वही दहेज उसका लेने का मन था जब दहेज लेने का मन था तो काहे नहीं मतलब काहे नहीं लेगा जिंदगी भर में उनका दुआरी बेटी के रखे ना दे बेटी ना हम कुछो ना देम का कहो अगर नरक देबे ना करे मार त जिंदगी पर और बेटी पे माया नहीं खे ना नहीं खे कोठो माया कर सकते हैं अगर रख लेगा हमको तो हम कमा को उसको खिला सकते हैं आप कहां से कमाइएगा हम कमा तो का 5 महीने हम कमा के जेल में खर्चा नहीं दिए हैं का 5 महीना रोपनी सोनी करके जेल में खर्चा नहीं दिए कमीन तो लगता है धान के कटनी अब होगा शुरुआत होगा तो कमा के खिलाएंगे हम ये कमा खिलाएंगे उसको रख लेगा तो हम यही करेंगे मैंने आप लड़की हैं आप शादी होगा उनके घर जाइएगा तब कमाने जाइएगा तब क्या करेंगे उसका वही इच्छा है कि कमा के खिलाएगी हमको हमको दहेज इतना देगी देगी तो हम कमा के देंगे हम कमा को खिलाएंगे उसको मदद नहीं कर सकते का मदद कोई नहीं मेरा मदद कोई नहीं कर रहा है माधुरी यहाँ बहुत मायूस है उनका लव स्टोरी खत्म होने का कगार पा गया है लेकिन देखना यही है कि माधुरी के साथ क्या होता है न्याय होता है या नहीं होता है बाकी सब कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसमें गलत कौन है किनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है लेकिन माधुरी के साथ जो हुआ है कहीं ना कहीं देखने से लग रहा है गलत हुआ लेकिन उनके परिवार के साथ भी हुआ है ये भी कम से कम सही नहीं हुआ क्योंकि इसमें गलती माधुरी और नन्हा का है और दोनों लोग घर छोड़ के फरार हो जाते हैं और केस में 5 महीने लगभग जेल काटते हैं नन्हा और जेल आने के बाद में एक पंचनामा बनता है जिस नामे में 1,70,000 रुपये का जिक्र किया जाता है इसमें कितनी सच्चाई है डिस्प्ले के बगल में वो 1,70,000 का जो है कि पर्चे लगा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कमेंट जरूर में बताइएगा कि प्यार के प्रमाण चढ़ा है क्या इसको उतर चुका है या है ही